मैं मेघा डरवाल, एसएससी जीडी 2018, मेडिकल फिट कैंडिडेट, जिला बालाघाट, नक्सल प्रभावित क्षेत्र मध्य प्रदेश से हूँ। आज मैं आप सभी को कोरोना से भी बड़ी बीमारी से अवगत कराने आई हूँ, जो है बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी। आज हमारे भारत देश में कितने बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे होते हुए भी अपने परिवार को चलाने के लिए प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार जितने पदों पे भर्ती निकालती है, उतने पदों को सरकार द्वारा भरा नहीं जाता। मैं बात कर रही हूँ एसएससी जीडी 2018 की, जिसमें 60,210 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन सरकार द्वारा मात्र 54,000 से 55,000 कैंडिडेट को ही लिया गया। बाकी के 5,210 मेडिकल फिट बच्चों को बेरोजगार छोड़ दिया गया। आखिर क्यों? ये इसी भर्ती की बात नहीं है, ये भर्ती 2011 से चलती आ रही है, और 2011 से सरकार यही अपना नियम लागू कर रही है कि मेडिकल फिट होते हुए भी बच्चों को बेरोजगार छोड़ दिया जाता है। और जब बच्चा उसके लिए जानकारी मांगता है, तो सरकार द्वारा जानकारी दी जाती है कि हमारे पास पर्याप्त विद्यार्थी या अभ्यर्थी नहीं थे। तो ये कहाँ का न्याय हुआ? अभ्यर्थी आपके पास 54,000 मेडिकल फिट बच्चे हैं, फिर भी आप बोल रहे हैं कि आपके पास अभ्यर्थी नहीं है, तो ये तो गलत बात है ना। हम लोग 2 महीने से दिल्ली में थे, दिल्ली में आंदोलन किए, जंतर मंतर पर धरना दिए, एसएससी ऑफिस के सामने भी धरना दिए, और धरना देते समय हमें पुलिस ने जेल में भी बंद कर दिया था। फिर भी हमारी आवाज़ सरकार सुन नहीं रही है, सरकार सुनकर भी अनसुना कर रही है। और कई बच्चे कहते हैं अभी कि अब आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग दिल्ली नहीं आ सकते, लेकिन जो दिल्ली जा रहे हैं उनको मोटिवेट कीजिए, डीमोटिवेट मत कीजिए, क्योंकि वो आप सभी के हक के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। अगर आपने मान लिया है आप हार गए हैं, तो आपकी हार हो चुकी, लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि आपको हर हाल में जीतना है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। और दिल्ली जाने वाले सभी कैंडिडेट को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वे सभी हमारे साथ दिल्ली में गए थे, चाहे वो 2 दिन के लिए गए हो, 1 महीने के लिए गए हो, या 2.5 महीने के लिए हमारे साथ दिल्ली में संघर्ष किया। लेकिन जो दिल्ली गए वो अपने परिवार को छोड़कर गए, हमारे लिए गए, हम सब के लिए गए, तो सभी का दिल से शुक्रिया। और जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, हम सब एसएससी जीडी मेडिकल फिट कैंडिडेट फिर से दिल्ली जाएंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि संसद में भी बात उठ चुकी है, शक्ति सिंह गोयल जी ने भी बात उठाई है, चिराग पासवान जी ने भी बात उठाई है, देवल सदानंद पति जी भी बात उठा रहे हैं, रणवीर सर भी बात उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सभी बातों का सकारात्मक प्रयास होगा, और हम सभी मेडिकल फिट युवाओं को, मैं चाहती हूँ कि हम सभी मेडिकल फिट युवा आखिरी तक लड़े, जब तक वर्दी ना मिल जाए, और हम जब लड़ेंगे तो हमें वर्दी जरूर मिल जाएगी। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, एक जुनून चाहिए वर्दी पाने के लिए, और आग लगानी चाहिए सीने में, आग लगी होनी चाहिए सीने में।